नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जहां ट्रैफिक नियमों में भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है, वहीं कैथल पुलिस ने एक अनोखा तरीका निकाला। लोगों को आने जाने वाले लोगों को जो ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं, उनको फूल दिए जा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। कैथल पुलिस फूल देकर चला रही है ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता अभियान। इसके साथ साथ ही नियमों का पालन करने की चेतावनी भी दे रही है कि अगर आपने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया तो आप पर जुर्माना हो सकता है, इसलिए हो जाइए सावधान, क्योंकि ट्रैफिक नियम ही जनता की सुरक्षा के लिए हैं। आपको बता दें कि कैथल के पिहोवा चौक पर इसकी शुरुआत की गई। चौक पर जो लोग बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के तथा 3 सवारी लेकर आ रहे थे, सबसे पहले तो वहाँ पर चालकों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया गया ताकि आगे से नियमों की पालना की जाए। उसके बाद उनको फूल देकर छोड़ दिया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैथल पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र विज ने कहा कि हम 3 दिन के लिए जो ट्रैफिक नियमों के अंदर बदलाव आया है, उनके प्रति ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ये अभियान 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम तक चलेगा। हम शहर के अलग अलग पॉइंट्स पर, जहाँ पर लोग ज़्यादातर यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को बाकायदा रोका जाता है और फूल दिए जाएंगे। ये केवल एक ही मकसद है कि उन्हें जागरूक किया जाए ट्रैफिक नियमों के प्रति। उन्होंने कहा कि अगर लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इसमें उनकी जान को खतरा है। इतना ही नहीं बल्कि उनको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। 3 दिन पश्चात यदि इन ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, अगर वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। आइए देखते हैं कि कैसे ये अभियान चलाया गया। आज तो आपको सिर्फ वार्निंग दे रही है, कभी 1000 में जुर्माना हो जाएगा तो फिर आपको ऐसे आ जाओ पहले। जी सर, आज आप जागरूकता का अभियान चलाया फूल देकर लोगों को, तो क्या एक कितने लोगों को बताया कि उनका पालन करें? जैसे आप समझाते हैं कि मोटरवे एक्ट में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं और जुर्माना काफ़ी बढ़ गया है, तो उसमें हमारे डीजी साहब के निर्देश हैं कि हम 3 दिन का अवेयरनेस एजुकेशन प्रोग्राम चलाएं और एक गांधीगिरी के रूप में हम सब लोगों को बताएं कि मोटर व्हीकल एक्ट के जो सेक्शंस हैं, जो उसके कानून हैं, उनकी पालना करनी बहुत ज़रूरी है। उसमें 2 फायदे हैं, आपकी जान का नुकसान तो बच ही सकता है, प्लस अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो जो आपका फाइनेंशियल लॉस है, जो आपको जुर्माना है और जो तकलीफ़ होगी, उससे भी आप सब बच सकते हैं। तो 3 दिन के लिए सभी SHOs हमारे, DSP साहिबान और मैं खुद, इसमें हम शामिल रहेंगे। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को, इस बारे में 3 दिन हमारा लगातार ये प्रोग्राम रहेगा। हम स्कूल में, कॉलेजेस में, जो इंस्टीट्यूट सेंटर हैं वहाँ पर जाकर, ऑटो रिक्शा स्टैंड्स पर, हर जगह जहाँ पर मैक्सिमम ड्राइवर हमें मिलेंगे, हम वहाँ जाकर उनको एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, ताकि कम से कम लोगों की जान का नुकसान हो और जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी पालना हो सके। कल भी मैंने खुद देखा था कि एक मोटरसाइकिल पीछे एक रेडी लगी हुई थी, मैंने जीन नाका पे उसको पकड़वा के उसका चलान करवाया था। इसी प्रकार 3 दिन के लिए हम थोड़े कम चलानिंग करेंगे और सबको अवेयरनेस देंगे इस बारे में कि जो भी इलीगल या गलत तरह से चला रहा है उसको ठीक करें, अन्यथा उसके बाद हम उनका फिर चलान करना स्टार्ट करें। धीरे धीरे अभी एक ही बारे में सारा काम ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे करके इनको सिखाया भी जाएगा और इनको लागू भी करवाया जाएगा। ट्रैफिक लाइट नहीं है, ट्रैफिक लाइट जब ठीक होगी तभी चलान हो सकता है, तो आप भी जानते हैं कमेटी वालों से हम टाइप करके जल्दी ठीक करवाएंगे। सर,
वहीं पे कैसे प्रतिबंध लगाएंगे आप? कोई भी प्रेस लिखवा के चलते चाहे। देखो प्रेस वाला काम आप सब प्रेस से ही है, सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कौन आपके बीच का आदमी है या नहीं है। कोई यदि कोई आप ये मान रहे हैं कि बिना प्रेस का व्यक्ति उस पर कोई सिग्नल लगा के चल रहा है कि वो प्रेस का आदमी है, आप हमारे को उनकी डिटेल दें, नंबर दें, वी विल चेक दें। सर दिल्ली क्राइम और चांद हम एक्शन लेंगे। आप चले गए तो आपके परिवार है, बच्चे हैं, ठीक है ना, हेलमेट का प्रयोग करके समझा के पूरे आगे इधर देखो। कृपा करके हेलमेट लगाइए, आपके परिवार को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। मैडम मैडम सामने आओ, मैडम मैडम सामने आओ, सामने उधर उधर आओ। ये तो वैसे नहीं करते, अभी बैठाना नहीं है, ठीक है मैम। एक मिनट बैठा दो।